की आवश्यकता यहां और रॉयल वॉरियर्स के तरफ से प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतर चुकी है। बंटी और उदय स्ट्राइक लेंगे, उदय और नौशक रन पर रहेंगे। बंटी और अंपायर का इशारा आता हुआ और पहली ओवर लेकर आए हैं दीपक आए हैं। कल्पन रिवर एंड से गेंदबाजी का भार उनके कंधों पर डाला गया है। पहली गेंद इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हालांकि नहीं हुआ। पहले ही जिस तरीके से खेलने की कोशिश उन्होंने की, आक्रामकता दिखाने की कोशिश यहां होती हुई उदय द्वारा। पूरी तरह से पहली ओवर पावर प्ले के तौर पर खिलाई जा रही है कनकुन प्रीमियर लीग में। और उदय के बल्ले से निकलता हूं मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, टाबर चवनप्रा छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से शुरुआत यहां होती हुई, जिस तरीके से पहले मुकाबले में उन्होंने जिस तरीके से 54 रन बनाए थे, पहली हाफ सेंचुरी कनकुन प्रीमियर लीग में उदय के नाम। और वही दौर यहां चलता हुआ दिख जरूर रहा है। फिलहाल जिस तरीके से आक्रामकता, पहला छक्का उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला। इस बीच अगली गेंद और इस बार रिवर्सिप खेला है, बीचों बीच जाती हुई गेंद और उदय के बल्ले से निकलता हुआ करमल घाट चौका, ऊपर चढ़ने का मौका मिलता हुआ और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बने हैं। बीचों बीच जाती हुई गेंद, रिवर्स स्वीप खेला जरूर गया था, खिलाड़ी वहां मौजूद हालांकि जरूर था, लेकिन सही सोच विचारधारा के साथ यहां बल्लेबाजी होती हुई प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उनको उतारा जरूर गया है। भारत अगर बात की जाए, रोहित शर्मा के स्थान पर उनको भेजा जरूर गया था और उस तरीके से दमखम यहां दिखाता हुआ उदय द्वारा, लेकिन फिलहाल मनोवैज्ञानिक दबाव यहां गेंदबाज पर पड़ता हुआ। इस बीच अगली गेंद और इस बार लालच भरी गेंद डाली जरूर, लेकिन मौका यहां पनपता हुआ दिख जरूर रहा था, लेकिन पावर प्ले ओवर चल रही है। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से सर्कल के अंदर खिलाड़ी को तैनात किया जरूर गया था, लेकिन उनके फलस्वरूप 2 रन यहां जोड़ते हुए काफी अच्छी दौड़ दोनों खिलाड़ी के बीच और ये 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बने हैं। और इस बार रिवर्सिप दिशा देने की कोशिश, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका बनता हुआ। अच्छी फील्डिंग इस बार, ऐसी फील्डिंग की उम्मीद की जा सकती है। रिवर्सिप खेलने की कोशिश पहले उन्होंने की जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में उन्होंने अपना निर्णय यहां बदला और सिर्फ बल्ले का दिशा उन्होंने दी। इस बार लेफ्ट हैंडेड बंटी के लिए यहां राउंड विकेट गेंदबाजी की सोच विचारधारा गेंदबाज के द्वारा चलती हुई मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को तैनात जरूर किया गया है। और ये खिलाड़ी सिर्फ प्रेक्षक बन के रहेगा और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रन के लिए और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बने हैं 1 ओवर समाप्त होने के बाद। हम आपकी जगह कंप्यूटर में यहां थोड़ी सी गलती होती हुई 19 रन बने हैं 1 ओवर समाप्त होने के बाद। तुम हमें संगीत दो, हम तुम्हें आवाज देंगे।
अच्छी शुरुआत यहाँ होती हुई है। फिर एक बार रॉयल वॉरियर्स की प्रारंभिक जोड़ी उदय और बंटी और दूसरी ओवर लेकर आए हैं। सिद्धू कमेंटेटर बॉक्स एंड से गेंदबाजी का भार उनके कंधों पर डाला गया है। शुरुआत यहाँ अच्छी और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद पत्ती जरूर थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए अपने आप को बनाकर खेलने की कोशिश यहाँ होती हुई, लेकिन पूरी तरह से आत्मविश्वास भरा शॉट हालांकि नहीं था। बल्ले का बाहरी किनारा लगा जरूर गया था। और इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क, लेकिन जब तक खिलाड़ी आकर उस गेंद को फील्ड करे थ्रो करे एक रन लेने का मौका बनता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बने हैं। रॉयल वॉरियर्स का स्कोर बिना नुकसान के दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। और इस बार लेफ्ट हैंडेड बंटी के लिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने की सोच यहाँ दिखा जरूर रही है, क्योंकि परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम। तो फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार बंटी के लिए और यहाँ फुलटस होती हुई गेंद, लालच दी जरूर गई और लालच भरी गेंद आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं, आप चल पड़े और पहला धक्का यहाँ लगता हुआ बंटी के रूप में। निश्चित रूप से जिस तरीके से शॉट सिलेक्शन यहाँ गलत होता हुआ और आखिरकार आशा की बहन निराशा उनके चेहरे पर दिखती हुई। बड़ा धक्का बंटी के रूप में और बंटी आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मोहिनी शाही है। रॉयल वॉरियर्स के लिए जब तक उदय क्रीज पर खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से एक सम्मानजनक स्कोर और जिस तरीके से शुरुआत यहां दी गई है और पहली सफलता यहां सिद्धू के मिलती हुई और इस बार अच्छी सोच विचारधारा मोहिनी के, हालांकि जिस तरीके से कारपेट के सहारे जिस तरीके से उन्होंने गेंद को खेला है एक रन के लिए, हालांकि जो खिलाड़ी फॉर्म में है उनको हालांकि बल्लेबाजी देने की यहां सोच रखते हुए मोइनिश और इस बार गलती कर बैठे और ये गेंद आपके लिए यहां अमरीशपुरी बनता हुआ खलनायक होती हुई और इस तरीके से दूसरा धक्का यहां लगता हुआ उदय के रूप में रॉयल वॉरियर्स को। हालांकि जिस तरीके से ये गेंद आपके लिए जिस तरीके से सिद्धू ने फेंकी दो सफलता उनको मिली, हालांकि उनके चेहरे पर यहां कोलगेट एडवर्टाइज दिखती हुई। आप कहीं मच जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुम हमें संगीत दो, हम तुम्हें आवाज देंगे। सफलता यहां मिलती हुई सिद्धू को, तो सफलता इस ओवर में उनको मिलती हुई और बड़ी विकेट उदय के रूप में। उदय आउट होने के बाद नए बल्लेबाज
हील आई जरूर, लेकिन इस बार ऑफसाइड से काफी बाहर। वाइड का इशारा अंपायर का गति प्रदान करने की कोशिश यहां होती हुई। सिद्धू द्वारा दो सफलता मिलने के बाद जिस तरीके से अखिल के लिए अलग गेंद डालने की कोशिश उनकी, लेकिन गिफ्ट के रूप में रन यहां बाल होता हुआ। और इस बार रिवर्सिप, हालांकि टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में जाकर अगर देखा जाए, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को हरा सकता है, लेकिन फिलहाल गलती तो निश्चित रूप से की नहीं, लेकिन पूरी तरह से जिस तरीके से रिवर्सिप खेलने की कोशिश की गई थी, आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं, लेकिन फिलहाल दो ओवर समाप्त होने के बाद 22 रन बने हैं रॉयल वॉरियर्स का स्कोर दो खिलाड़ी आउट होने के बाद। धन्यवाद डीजे। जिस तरीके से काफी शानदार गेंदबाजी सिद्धू द्वारा, निश्चित रूप से सिर्फ अपने ओवर में सिर्फ 3 रन हालांकि खारिज किए और दो सफलता, महत्वपूर्ण सफलता दिलाई अपने टीम के लिए सिद्धू द्वारा। और नई गेंदबाज तीसरी ओवर साईराज के कंधों पर डाली गई है। तल्पन रिवर्स से गेंदबाजी करेंगे साईराज। और इस बीच मोहिनीश के लिए, और इस बार रिवर्सिप, इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क सही, और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका। मसूड़ों में जान तो बल्ले की शान यहां दिखती हुई, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन बने हैं। अच्छा संपर्क इस बार मोहिनीश के बल्ले से निकलता हुआ, एक महत्वपूर्ण चौका किए जा सकते हैं। साईराज की अगली गेंद, और फिर एक बार रिवर्सिप खेला जरूर, रिप्ले के तौर पर खेला हुआ शॉट 4 रन के लिए, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन बने हैं रॉयल वॉरियर्स का स्कोर। अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली गई है, लगातार दो गेंदों में दो चौके जड़कर जिस तरीके से बड़ी विकेट उदय के रूप में वापस फैमिली जा जरूर चुके हैं। दो गेंदों में दो चौके मोइनेश के बल्ले से निकलते हुए। इस बीच अगली गेंद, और इस बार और एक चौका उनके बल्ले से देखने को मिल रहा है, और चौके की हैट्रिक यहां साधता हुआ मोहिनीश। उनके पाले में गेंद, आड़े बल्ले से खेला जरूर, संपर्क यहां अच्छा होता हुआ, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन बने हैं रॉयल वॉरियर्स का स्कोर। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई, गेंदबाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ डाल चुके हैं मोहिनीश। जिस तरीके से किस जगह पर आपको गेंद करनी है वो सोच विचार यहाँ कान मंत्र दिया जा जरूर रहा है। काफी शानदार बल्लेबाजी मोहिनीश द्वारा, 3 गेंदों में 3 चौके। इस बीच अगली गेंद, और इस बार फंसे, और आखिरकार बड़ा विकेट, और एक विकेट मोहिनीश के रूप में। अपने आप पर विश्वास नहीं, जिस तरीके से शॉट सिलेक्शन यहां गलत होता हुआ,
और इस तरीके से तीसरा विकेट यहां गंवा चुके हैं रॉयल वॉरियर्स मोहिनीश के रूप में। आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मंदार आई है, बड़ी सफलता यह मिलती हुई साहिश द्वारा। जिस तरीके से तीन चौके हालांकि लगाए जरूर गए थे, चौथा लगाने के नादानी में अपना विकेट गंवा बैठे। अपने आप पर जिस तरीके से शॉट उन्होंने खेला था अपने आप पर विश्वास, लेकिन फिलहाल सफलता यहां मिलती हुई। और रिवर्सिव कनेक्शन सही और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई चार रन के लिए। और मंदार के बल्ले से निकलता हुआ करमल घाट चौका ऊपर चढ़ने का मौका मिलता हुआ और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन बने हैं रॉयल वॉरियर्स का स्कोर तीन खिलाड़ी आउट होने के बाद। अच्छा कनेक्शन यहां होता हुआ मंदार द्वारा। और फिर एक बार रिवर्सिव खिलाड़ी मौजूद, लेकिन बीचों बीच गिरती हुई गेंद दूसरी की मांग यहां होती हुई और दूसरा रन आसानी से पूरा होता हुआ। जिस तरीके से खिलाड़ी की मुआयना उन्होंने किया जरूर गया था और लगातार रिवर्सिव खेलने की कोशिश, कनेक्शन यहां हुआ जरूर गया था। और इस तरीके से तीन ओवर समाप्त होने के बाद 40 रन बने हैं रॉयल वॉरियर्स का स्कोर तीन खिलाड़ी आउट होने के बाद। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। चौथी ओवर पीयूष के कंधों पर डाली गई है, 40 रन बने हैं तीन ओवर समाप्त होने के बाद। मातृभूमि के मट्टी से आशीर्वाद लेता हुआ अखिल, और इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गति प्रदान करने के नादाने में लेग साइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन बने हैं। पीयूष जिस तरीके से शुरुआत उनकी यहां खराब होती हुई, और इस बार छोटा हेलीकॉप्टर शॉट, स्ट्रेट ड्राइव खेला जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग सिद्धू द्वारा, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन बने हैं रॉयल वॉरियर्स का स्कोर तीन खिलाड़ी आउट होने के बाद। चौथी ओवर प्रगति पर चलती हुई, और इस बार कहीं निगाहें कहीं निशाना, लेकिन रन यहां मिलते हुए गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई चार रन के लिए, मंदार के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका, मसूड़ों में जान तो बल्ले की छान यहां दिखती हुई।
और एक चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन बने हैं। भाग्य उनका साथ देता हुआ, लेकिन फिलहाल इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन बने हैं रॉयल वॉरियर्स का स्कोर। एक अच्छा मुकाबला श्रोताओं को यहां देखने को जरूर मिलेगा। और इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, खिलाड़ी वहां मौजूद, जब तक फील्ड करे थ्रो करे सिर्फ एक रन लेने का मौका बनता हुआ। और इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन बने हैं। अच्छी गति हालांकि पीयूष के पास जरूर है, तकरीबन प्रवीण की इंटरनल मेमोरी से गति की अगर बात की जाए 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, लेकिन इस बार फंसे। लालच भरी गेंद डाली जरूर, लालच भरी गेंद आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं, आप चल पड़े और नतीजा आप देख रहे हैं। और इस तरीके से चौथा विकेट यहां गंवा चुके हैं अकील के रूप में। धन्यवाद डीजे। और साईराज वहां खिलाड़ी मौजूद था, जिस तरीके से उनके हाथ इतने कमजोर नहीं। और आखिरकार एक चौथा धक्का यहां लगता हुआ रॉयल वॉरियर्स को अकील के रूप में। बड़ा शॉट उन्होंने खेला जरूर, लेकिन काश उन्होंने डाबर च्यवनप्राश खाया होता तो निश्चित रूप से गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती थी नए बल्लेबाज। बीच आते आते अपना दमखम दिखाने की कोशिश होती हुई, लेकिन अच्छी गेंदबाजी जिस तरीके से सफलता उनको मिली। नए बल्लेबाज गौतम आई है। हम आपकी जगह अजय आई है। और इस बार ओ माय गॉड, ये निश्चित रूप से हाथों में पड़ी हुई कैच, काफी तेज करार का शॉट हालांकि खेला जरूर गया था। और इस तरीके से चार ओवर समाप्त होने के बाद 48 रन बने हैं रॉयल वॉरियर्स का स्कोर चार खिलाड़ी आउट होने के बाद। और अंतिम ओवर लेकर आए हैं गौरीश, तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे गौरीश। और इस बार बड़े शॉट खेलने की कोशिश, रनआउट का मौका यहां मिलता हुआ और इस तरीके से और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं गौतम के रूप में। और एक विकेट, रनों की रफ्तार को बढ़ाने की नादानी में अपना विकेट गंवा बैठे अपने आप की स्ट्राइक लेने की कोशिश मंदार द्वारा। गौतम आउट होने के बाद नए बल्लेबाज उद्देश्य आए हैं।
अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई। और इस बीच रिवर्सिप खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। अच्छी गेंदबाजी गौरीश द्वारा, जिस तरीके से गति उनके पास जरूर है और उस गति का भरपूर फायदा इस पिच पर मिलता हुआ गेंदबाज को। जिस तरीके से लाइन और लेंथ के साथ आप गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका यहां आप देंगे नहीं। लेकिन इस बार टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई, बीचों बीच गिरती हुई गेंद, काफी तेज से गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन बने हैं रॉयल वॉरियर्स का स्कोर अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई। और जिस तरीके से उन्होंने खेला जरूर गया था, आत्मविश्वास हालांकि बड़ा शॉट नहीं था, लेकिन जिस तरीके से फील्डिंग अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से जिस तरीके से फील्डिंग यहां सजाई सवारी गई जरूर है, लेकिन गेंदबाज निश्चित रूप से अपने आप पर भरोसा उनको। और इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, शक्ति यहां कम पड़ती हुई, खिलाड़ी वहां मौजूद, उनके झोली में जाकर गेंद गिरती हुई। और इस तरीके से और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं मंदार के रूप में और रॉयल वॉरियर्स। मंदार आउट होने के बाद नए बल्लेबाज नीलेश आए हैं नए बल्लेबाज। और इस बीच यहां गति प्रदान करने की नादानी में अफसर से काफी बाहर वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन बने हैं। और इस बार अच्छी लाइन, फिर एक बार अपने आप को स्ट्राइक लेने की नादानी में और एक विकेट गंवा चुके हैं। और यहां जिस तरीके से आक्रामकता शुरुआत हालांकि अच्छी हुई जरूर गई थी रॉयल वॉरियर्स की, लेकिन अंतिम जिस तरीके से ओवर चल रही है तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं जिस तरीके से विकेटों का गिरने का सिलसिला लगातार यहां होता हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं और नए बल्लेबाज आए हैं योगेश। अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई रॉयल वॉरियर्स को एक सम्मानजनक स्कोर हालांकि निश्चित रूप से उन्होंने बनाया जरूर गया है। मातृभूमि की मट्टी से आशीर्वाद लेता हुआ योगेश पूरी तरह से ग्राउंड का मुआयना करता हुआ, अंतिम गेंद शायद होगी पहली इनिंग की। गौरीश गेंद डाली जरूर, लेकिन और इस तरीके से पहली इनिंग यहां समाप्त हो चुकी है। 53 रन बनाए गए हैं रॉयल वॉरियर्स ने पहले खेलते हुए और 54 रनों की आवश्यकता। सार्थक सुपर किंग्स को ये मुकाबला जीतने के लिए 54 रनों की आवश्यकता। और आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर मंगेश मड़गांवकर जी आपको सुनवाएंगे, तब तक के लेते एक छोटा सा ब्रेक।
धन्यवाद प्रवीण। इस मैच के बाद जो मैच होने जा रही है एमएस राइजिंग और लोलियम लायंस, मैं दो ही कप्तानों के पास दरख्वास्त करता हूँ कि टॉस के लिए पेविलियन के आगे आ जाने के, प्लीज लोलियम लायंस और एमएस राइजिंग प्लीज कॉन्टेक्ट टू पेविलियन फॉर द टॉस। एमएस राइजिंग और लोलियम लायन धन्यवाद प्रवीण। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल वॉरियर्स ने 53 रन बटोरे, 54 रनों का लक्ष्य रखा है सार्थक सुपर किंग्स के पास, और सार्थक सुपर किंग्स की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आए सिद्धू और नॉन स्ट्राइक इन पे खड़े हैं दीपक भगत और सिद्धू नायक, दो ही प्रारंभिक बल्लेबाज 54 रनों का लक्ष्य। टॉस जीती और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था सार्थक सुपर किंग्स ने, और पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल वॉरियर्स ने 53 रन बटोरे, 54 रनों का लक्ष्य रखा है। बल्लेबाज सिद्धार्थ बैटने सिद्धू और गेंदबाजी का भार संभाल रही है रॉयल वॉरियर्स की ओर से उदय शेठ देसाई। पहली ओवर पावर प्ले ओवर, सिर्फ दो ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर, मेरे साथ स्कोर बोर्ड पे बैठे मंदार तारी। शुरुआत हो चुकी है, अंपायर का इशारा आता हुआ इस मैच के बाद जो मैच होने जा रहे हैं एमएस राइजिंग और लोलियम लायंस प्लीज कॉन्टेक्ट टू पेविलियन। इस बार हल्की सी शॉर्ट गेंद, उस गेंद को मोड़ने में कामयाबी हासिल की है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर उछली थी, उस उछाल का पूरा फायदा लिया, आड़े बल्ले से प्रहार किया, टाइमिंग भी सही हासिल की सिद्धू ने, मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही साथ उदय का स्वागत करते हुए सिद्धू, शुरुआत हो चुकी है छक्के से, अगली गेंद इस बार काफी बढ़िया गेंद, क्रिकेट के जगत में इस गेंद को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, वो गेंद फेंकी है उदय शेठ देसाई ने, उस गेंद को देखा सोचा समझा कलाइयों का इस्तेमाल किया और खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में, फील्ड होती हुई रन की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते उदय। राइट आर्म राउंड फिर एक बार, इस बार स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, टिपा के नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते उदय शेठ देसाई। काफी बढ़िया कमबैक करते हुए, बढ़िया वापसी करते हुए उदय शेठ देसाई, पहली गेंद पर चक्का खाने के बाद बढ़िया वापसी की है, तो गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल किए उदय शेठ देसाई ने। रेगुलर खिलाड़ी है, रेगुलर गेंदबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से इसकी गणना की जाती है कानपुर के टेनिस क्रिकेट में। फिलहाल अगली गेंद राइट आर्म राउंड, इस बार हल्की सी फ्लाइट थी, सीधे बल्ले से प्रहार करते हुए उस गेंद को खेला तो है, फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा ड्राइव के रूप में एक रन जुड़ जाएगा, एक रन के साथ इजाफा होता हुआ सार्थक सुपर किंग्स के खाते में स्कोर हो गया है सार्थक सुपर किंग्स का 7 रन। अभी भी पहली ओवर जा रही है, पावर प्ले ओवर जा रही है, चंद गेंदे हो चुके हैं पावर प्ले की, पहली गेंद पर चक्का खाने के बाद वापसी तो बढ़िया की है उदय शेठ देसाई ने। एमएस राइजिंग प्लीज, लोलियम लायंस प्लीज कॉन्टेक्ट टू पेविलियन फास्ट। एमएस राइजिंग लोलियम लायंस, फिलहाल दिशा में परिवर्तन करते हुए उदय आते आते रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल करते हुए गेंद तो खेली है, धीमी गति की गेंद फेंकी थी, फुलटॉस गेंद फेंकी थी, दिशा बदलना चाहते थे, अल्टी पल्टी करना चाहते थे, ठीक से बल्ले पे आई नहीं, स्ट्रेट ट्राई के रूप में गेंद चली गई थी, फील्डर सर्कल के अंदर होने के कारण बच तो गए हैं, जीवन दान तो मिल चुका है दीपक भगत को, एक रन जोड़ चुका है सार्थक सुपर किंग के खाते में। अब ट्राई का है
लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सिद्धू के पास और दिशा में परिवर्तन होते हुए राइट आर्म राउंड चले गए हैं उदय शेटदेसाई। खराब गेंद और स्टंप के काफी बाहर गेंद, उस गेंद को अंपायर ने वाइड घोषित कर दिया। अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ खाते में अतिरिक्त रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर हो चुका है 9 रन बिना कोई विकेट खोए। 54 रनों का लक्ष्य रखा है रॉयल वॉरियर्स ने। फिलहाल अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस गेंद को मोड़ा है मिड ऑन के क्षेत्र में, डीप मिड ऑन पर फील्ड होती हुई मोइनिश द्वारा चुस्त खिलाड़ी है। एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा दो ही बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है डबल फिगर में बिना कोई विकेट। पहली बार खत्म होने के बाद स्कोर है 10 रन बिना कोई विकेट को। ये मैच जितना है तो 54 रन का लक्ष्य रखा है रॉयल वॉरियर्स ने। सार्थक सुपर किंग्स के पास दूसरी ओर लेके आए रॉयल वॉरियर्स की ओर से बंटी। पावर प्ले वह खत्म हो चुके हैं, फील्डिंग स्ट्रक्चर फैल चुका है और इस मैच के बाद भी मैचेस होने वाले हैं। प्लीज मैं दो ही अंपायर से दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज जल्दी से जल्दी मैच स्टार्ट कीजिएगा, ज़्यादा वक्त मत लीजिएगा, इसके बाद मैचेस होने वाले हैं। रॉयल वॉरियर्स बंटी तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सिद्धू के लिए। बार टिप्पा के नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के पास करवट लेती हुई गेंद, उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए विश्वदीप फिलहाल अब फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए राउंड विकेट गुरु परदेसी टेम्पल एंड से। लेकिन इस बार खेल तो दिया है, गेंद चली गई है रंग ऑफ के क्षेत्र में, फील्ड होते हुए फील्डर द्वारा 1 रन जोड़ जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 11 रन बिना कोई विकेट खोए। 50 रनों का लक्ष्य है। फील्डिंग में हल्के से परिवर्तन होते हुए दीपक भगत के लिए बंटी तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट राइट हैंडेड बल्लेबाज दीपक भगत। बार आड़े बल्ले से प्रहार करने की कोशिश की थी, बल्ले का बाहरी किनारा और अंपायर ने आउट घोषित किया है दीपक भगत को। पहला झटका लगता हुआ सार्थक सुपर किंग्स को दीपक भगत के रूप में झटका तो लग चुका है।
दीपक तो वापस चले गए नोरू का, दीपक का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नोरू। दीपक के आश्रम के बाहर जाती हुई दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, खाते में अतिरिक्त रन के साथ इजाफा होता हुआ, सार्थक सुपर किंग्स 12 रन हो चुके हैं, एक विकेट खोई है। अभी भी जो दीपक भगत वापस चले गए हैं पेवेलियन में, आर फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, गेंद को खेल तो दिया है, काव कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी और उस पर प्रहार तो किया है नोरू शिंदे ने 4 रनों के लिए। चौके के साथ ही साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है नोरू शिंदे ने और स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 16 रन हो चुके हैं, एक विकेट चली गई है दीपक भगत के रूप में। और 9 सेकेंड हिंड के जो गेंद खिलाड़ी थे बल्लेबाज थे, बल्ला थोड़ा सा चेंज करते हुए और वापस आते अपने क्रीज पर, शुरुआत होती हुई लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बंटी तैयार अपने बॉलिंग मार पर, बढ़िया गेंद टिप्पा के हल्की सी स्पिन मिलती हुई अंदर आती हुई गेंद को रक्षात्मक ढंग का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया है पॉइंट के क्षेत्र में, फील्ड होते हुए फील्डर द्वारा रन की गुंजाइश वहां बनाई, रन चुरा भी लिया है, एक रन का इजाफा होता हुआ स्कोर हो चुका है 17 रन, 17 लॉस ऑफ वन विकेट। बंटी तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सिद्धू के लिए दूसरी बार प्रगति पर है, बार बड़ा प्रहार करते हुए मिडॉन के ऊपर से गेंद तो चली गई है सीमा को पार करते हुए 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी, ऑफ्रम के बाहर करवट लेती हुई गेंद को देखा, बल्ले के बीचों बीच लिया और बढ़िया टाइमिंग भी हासिल की, मिडॉन के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल की है 6 रनों के लिए। और छक्के के साथ ही साथ दूसरी ओवर की समाप्ति होती हुई और दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद एक विकेट तो चली गई है दीपक भगत के रूप में और स्कोर है 23 रन। धन्यवाद, इट इज ए स्कोर खत्म होने के बाद स्कोर है 23 रन लॉस ऑफ वन विकेट। अब तीसरी ओवर लेके आए अखिल देसाई और स्ट्राइकर है नोरू शिंदे, 54 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए सार्थक सुपर किंग्स को। अखिल देसाई धीमी गति की गेंद, फ्लाइटेड गेंद, उस गेंद को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी अखिल की पहली गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है, थोड़े से लड़खड़ाए नोरू शिंदे फिलहाल, फिर एक बार तैयार अपने बल्लेबाजी का बाढ़ संभालने के लिए। अखिल देसाई राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, मिड विकेट की दिशा में उस गेंद को मोड़ा है, पैरेलल गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, दिमाग धीमी गति की गेंद थी, उस गेंद पर बड़ा प्रहार किया है, छक्के के रूप में उस गेंद को तकदील किया है और छक्के के बदौलत स्कोर में भी वृद्धि होती हुई स्कोर हो चुका है 29 रन, 29 रन हो चुके हैं, एक विकेट खो चुके हैं दीपक भगत के रूप में, विकेट मिल चुकी है रॉयल वॉरियर्स को। फिलहाल हल्के से परिवर्तन होते हुए फील्डिंग में भी दीप अष्टा कवर के खिलाड़ी को भेजा है लॉन्ग ऑन पर,
कौन के खिलाड़ी को भेजा है कवर पर सर्कल के अंदर। अखिल की अगली गेंद, इस बार फ्लाइटेड गेंद, मौका था पॉइंट के क्षेत्र में कैच पकड़ने का लेकिन असफल है। दूसरे रन की गुंजाइश वहां बनी और दूसरा रन भी चुराने के नाद में रन आउट की अपील हो चुकी है और तीसरे अंपायर की मांग यहां की है कुणाल ने। सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच चुके, दो रनों का इजाफा होता हुआ सार्थक सुपर किंग के खाते में स्कोर हो चुका है 31 रन 31 रन हो चुके। तीसरी ओवर प्रगति पर है, मैच जितना है तो 54 रनों का लक्ष्य रखा है रॉयल वॉरियर्स ने सार्थक सुपर किंग्स के पास। तीसरी ओवर चंद गेंदे हो चुके, गेंदबाज है अखिल देसाई, दिशा है राइट आर्म ओवर द विकेट, फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए यहाँ पर शॉर्ट फाइन के खिलाड़ी को एक्स्ट्रा कवर पर बुलाया और एक्स्ट्रा कवर के जो खिलाड़ी था उसको डीप एक्स्ट्रा कवर पर भेजा है। पॉइंट पर खिलाड़ी है, सर्कल के अंदर कवर पर खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है और डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी रखा हुआ है नौरू शिंदे के लिए। इस बार हल्की सी शॉर्ट गेंद, आड़े बल्ले से प्रहार करते हुए गेंद चली गई है मिड विकेट की दिशा में, हवा में गेंद है, मोइनीश उस गेंद के नीचे थे, मोइनीश ने कोई गलती नहीं की और ये यानी दूसरा झटका देने में कामयाबी हासिल करते हुए। नोरू तो वापस चले गए है पेविलियन में, नोरू का स्थान ग्रहण करने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज श्री ज्योत यानी मुन्ना आए हैं बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए। सफलता प्राप्त की है अखिल देसाई ने, अभी भी स्कोर रुका हुआ 31 रन लॉस ऑफ टू विकेट्स 31 लॉस ऑफ टू विकेट्स, मैच जितना है तो 54 रनों का लक्ष्य पार करना पड़ेगा। फिर एक बार तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट अखिल देसाई नए बल्लेबाज श्री ज्योत के लिए, आते आते अल्टी पल्टी खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से उस गेंद को मोड़ दिया है, गेंद तो चली गई है सीमा को चीरती हुई तोफ की तरह चार रनों के लिए, चौके के साथ ही साथ स्कोर तो हो चुका है 35 रन। आते आते ही अल्टी पल्टी खेली है मुन्ना ने, चौके के रूप में उस गेंद को तक दिल गया और स्कोर में वृद्धि भी होती हुई 35 रन लॉस ऑफ टू विकेट्स। अखिल फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार जगह बना ही पहली ऑप्शन पर आ चुके थे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, उस गेंद को मोड़ा है बंटी वहां मौजूद है, चुस्त खिलाड़ी है चुस्त फील्डर है, एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा, ये एक रन के साथ और एक रन का इजाफा होता हुआ सार्थक सुपर किंग्स के खाते में। तीसरी ओवर की समाप्ति होती हुई, तीसरी ओवर समाप्त होने के बाद दो विकेटें तो चली गई है, स्कोर है 36 रन 36 रन लॉस ऑफ टू विकेट्स। धन्यवाद दीजिए, आने वाली 12 गेंदे और 18 रनों की जरूरत इस मुकाबले में। गेंदबाजी पर चौथा ओवर लेकर रामकृष्ण गेंदबाजी मोर्चे पर
ट्राई गेंद के ऊपर रहेंगे बल्लेबाज जो कि मुन्ना। 12 गेंद 18 रन है इक्वेशन इस मुकाबले का, अट्टे का मुकाबला दोनों टीमों के बीच में, एक अच्छा हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट कर देने वाला है मुकाबला मैदान पर। 12 गेंद 18 रन, फील्डिंग की सजावट देखी जाए तो ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी, बैकवर्ड्स को लेग मिड विकेट के साथ वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक खिलाड़ी आप ऑन साइड पर, फिर एक बार डीप काउकर्न और लॉन्ग ऑन तैनात, ऑफ साइड पर सिर्फ वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर मौजूद, राइट हैंडर बैटर मुन्ना के लिए। आने वाले 12 गेंदे 18 रन है इक्वेशन इस मुकाबले का। लॉक ओवर चौथा ओवर लेकर बालकृष्ण गेंदबाजी पर, राउंड विकेट चलेंगे। पहली गेंद लोअर फुल टॉस, सामने खेला इस गेंद को, डीप लॉन्ग ऑफ पर गेंद निकले, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया और इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 37 रन। लोअर फुल टॉस गेंद, सामने खेला इस गेंद को और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट के, स्ट्राइक गेंद के ऊपर लेफ्ट हैंडर बैटर सिद्धार्थ नाइक, स्ट्राइक गेंद के ऊपर सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 37 रन। लॉस ऑफ 2 विकेट 11 गेंदे और 17 रन इक्वेशन इस मुकाबले का। सिद्धार्थ स्ट्राइक गेंद के ऊपर लेफ्ट हैंडर बैटर, उसके कारण ऑन साइड पर फिर एक बार 4 खिलाड़ी तैनात किए जाते हुए, डीप लॉन्ग ऑन, डीप काउकर्न, मिड विकेट और उसके साथ स्क्वेयर लेग डीप पर मौजूद। प्रोग्रेस गेंद 17 रन इक्वेशन। इस बार इनसाइड आउट क्या खेला थ्रू दे डीप कवर पर, जब तक फील्डर शॉट के पहुंच पाते फील करते थ्रो करते तब तक सिंगल इस गेंद पर, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास घुमाव थी इस गेंद पर, उसके कारण ओवर पर खेलना पसंद किया था इस शॉट के लिए बल्लेबाज सिद्धार्थ ने, लेकिन मिले सिर्फ 1 रन इस गेंद पर और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 38 रन। 38 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान के भीतर, उसके कारण हर वक्त स्ट्राइक रोटेट होने के बाद फील्डिंग बदली जाते हुए मैदान पर। 2 गेंदों पर 2 रन निकले, 16 की जरूरत अब 10 गेंदे 16 रन इक्वेशन। बालकृष्ण गेंदबाजी पर विकेट हासिल करने होंगे, अगर अतिरिक्त दबाव बढ़ाना है गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर तो विकेट काफी महत्वपूर्ण रहेगी इस मुकाबले में। उसके साथ डॉट गेंदे भी, इस बार फिर एक बार मिस टाइम गैर पेट है, पॉइंट पर फील्डर मौजूद, विकेट मिली बालकृष्ण इस गेंदबाज को, बल्लेबाज मुन्ना वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ, जिस विकेट की चर्चा हो रही थी वो विकेट हासिल किया, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास मिस टाइम कर बैठे, पॉइंट पर एक अच्छा बेहतरीन कैच और विकेट 3 नंबर वापस डगआउट की तरफ, टीम का स्कोर 38 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। विकेट नंबर 3 बैक टू द पवेलियन, मुन्ना वापस लौटे डगआउट की तरफ और अब मैदान के भीतर सिद्धार्थ का साथ देने के लिए जो बैटर स्ट्राइक गेंद के ऊपर रहेंगे। विकेट हासिल के बालकृष्ण इस गेंदबाज ने महत्वपूर्ण समय में वो विकेट, इस विकेट की चर्चा हो रही थी ओवर में तो वो विकेट हासिल किया। बैटर पीयूष स्ट्राइक गेंद के ऊपर अब 9 गेंदे और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। काटे का मुकाबला दो टीमों के बीच में, दोपहर का यह सत्र कड़ी धूप मैदान के भीतर, लेकिन इस कड़ी धूप में भी दोनों का पीछा करते हुए अब तक अगर देखा जाए तो सार्थक सुपर क्रिकेट टीम 38 रन के ऊपर। शॉट गेंद आगड़े बल्ले के साथ, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, आते ही मन बना लिया था बल्लेबाज पीयूष ने, लेकिन डॉट गेंद निकले डिलीवरी पड़ने के बाद निश्चित गेंद रही विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन और बगैर किसी विकेट के साथ। डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर भी रुकता हुआ 38 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। आने वाली 8 गेंदे 16 रन इक्वेशन। रिक्वायर्ड रन रेट अब 12 का, यानी कि हर एक गेंद पर 2 रन आपको मुकम्मल करने पड़ेंगे।
शॉर्ट गेंद, बड़ा शॉट खेला ऑन साइड पर डीप काउ कॉर्नर पर गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बल्लेबाज के रडार में गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी और इस गेंद को खेला डीप काउ कॉर्नर के ऊपर से एक बेहतरीन लाजवाब छक्का पीयूष के बल्ले से निकला 6 रन के साथ टीम का स्कोर 44 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट इसके दरकार थे मैदान के भीतर सार्थक सुपर किंग क्रिकेट टीम के लिए। वो बड़ा शॉट पीयूष के बल्ले से निकला टीम काउ कॉर्नर के ऊपर से वो छक्का 6 रन के साथ 44 रन और अब इक्वेशन बनता हुआ 7 गेंदे और 10 रनों की जरूरत। एक गेंद इस आखिरी इस लॉक ओवर के बालकृष्ण गेंदबाजी पर राइट आर्म राउंड विकेट चले गए। गेंद के ऊपर पीयूष बल्लेबाज लोअर फुल टॉस गेंद स्लॉग करना चाहते थे, मिस टाइम कर बैठे। गेंद निकले वाइड स्लॉन्ग ऑन पर 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल होगा। दूसरे की कोशिश भी नहीं हुई क्योंकि अच्छी फील्डिंग थी वाइड स्लॉन्ग ऑन पर। सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब 45 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 45 रन लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन 4 ओवर। आखिरी 6 गेंदे 9 रनों की जरूरत 6 बॉल एंड 9 रन टू विन। एक बड़ा शॉट थैंक यू। आने वाली 6 गेंदे और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत 6 बॉल एंड 9 रन टू विन। इक्वेशन इस मुकाबले का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी पर मंदा रहे गेंदबाज 6 गेंदे 9 रन। फील्डिंग की सजावट अगर देखी जाए ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर, सामने डीप लॉन्ग ऑन एक मौजूद, उसी के साथ डीप का कॉर्नर ऑन साइड पर स्क्वेलेग बैकवर्ड स्क्वेलेग डीप मिड विकेट। पहली गेंद अच्छी डाली वाइड ओवर कर आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद डाली गुल्ले स्पॉट पर। गिरने के बाद अतिरिक्त उछाल पुल करना चाहते थे बल्लेबाज पीयूष लेकिन डॉट गेंद निकली 5 गेंदे 9 रन इक्वेशन। हर एक डॉट गेंद प्रेशर बढ़ाएगी बल्लेबाज के ऊपर और उसी के साथ रन और गेंदों पर भी निश्चित तौर से असर बढ़ाएगी वो डॉट गेंद। अब 5 गेंदे और 9 रन ये इक्वेशन इस मुकाबले का सामने जो कि बल्लेबाज पीयूष हल्के हाथ से बेहतरीन शॉट डीप कवर पॉइंट पर गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर नजाकत भरा चौका पीयूष के बल्ले से कॉपी बुक स्टाइल ये चौका। हल्के हाथ से इस गेंद को खेला और चौके के साथ अब टीम का स्कोर 49 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 49 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। आने वाली 4 गेंदे 5 रनों की जरूरत करवटे लेता हुआ ये मुकाबला। पिछली गेंद डॉट निकली इक्वेशन बना था 5 गेंदे 9 रन लेकिन इस बार चौका निकला पीयूष के बल्ले से और अब इक्वेशन बनता हुआ 4 गेंदे और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। एक कांटे का मुकाबला और उसी के साथ रोमांच भरा यह मुकाबला और एक गेंद पर करवटे बदलता हुआ यह मुकाबला। अब 4 गेंदे 5 रन इक्वेशन फील्डिंग फिर एक बार बदली जाते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वेयर का फील्डर अंदर आया शॉर्ट स्क्वेयर लेग पर और उसके साथ डीप कवर का फील्डर डीप स्वीपर कवर पर तैनात शॉट थर्ड मैन पॉइंट शॉट एक्स्ट्रा कवर ऑन साइड पर बैक शॉट स्क्वेयर लेग 30 सर्कल के अंदर शॉट गेंद बड़ा शॉट ताकतवर शॉट गेंद निकली डीप काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। एमएस धोनी स्टाइल ने इस मुकाबले को खत्म किया बल्लेबाज पीयूष इस बल्लेबाज ने और इस मुकाबले में जीत हासिल करते हुए सार्थक सुपर किंग क्रिकेट टीम रनों का पीछा 54 रनों का पीछा आसानी के साथ किया और इस मुकाबले में एक अच्छी जीत हासिल की सार्थक सुपर किंग क्रिकेट टीम ने। इसके बाद का मुकाबला एमएस राइजिंग बनाम लोलियम लायंस के बीच में और टॉस जीता लोलियम लायंस क्रिकेट टीम ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला